फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। तो आज का हमारा जो टास्क है, देखिए कि हमें किसी भी रेक्टेंगल की का एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए, जो रेक्टेंगल होता है उसकी टू साइड्स होती हैं। ये वाली, इसे हम लेंथ बोलते हैं, जो बड़ी वाली नॉर्मली बिगर साइज होती है, बिगर वाली, और जो स्मॉलर होती है उसे हम ब्रिथ बोलते हैं, लेंथ एंड ब्रिथ। ओके, और जो एरिया रेक्टेंगल का फार्मूला होता है वो हमने यहां पर लिखा होता है, नॉर्मली लेंथ सिंपली लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो अगर हमें किसी भी अननोन रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो उस रेक्टेंगल की हमें लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो फार्मूले में लेंथ एंड ब्रेथ है, तो सिंपली हमें वही यूजर से इनपुट भी लेना है। ओके, तो चलिए हम इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो मैंने यहां पर एक हेडर फाइल इंक्लूड कर ली है और मेन फंक्शन बनाया है, और उसके बाद में लेंथ एंड ब्रेथ नाम के दो वेरिएबल बनाता हूं, और मैं यूजर को मैसेज देता हूं इंटर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो यूजर क्या करेगा, लेंथ और ब्रेथ इंटर करेगा, तो हम इसको स्कैनफ, जो कि प्रीडिफाइंड फंक्शन है, की सहायता से इनपुट ले लेंगे। दो वेरिएबल, इसलिए दो कंट्रोल स्ट्रिंग, परसेंट एड्रेस ऑफ लेंथ एंड एड्रेस ऑफ। ओके, तो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ आ गई। अब मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया हम इनको मल्टीप्लाई कर, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ दोनों इंटीजर टाइप की वैल्यू, इसलिए मल्टीप्लीकेशन भी उनका इंटीजर टाइप होगा, इसलिए हमने एरिया नाम का एक वेरिएबल बनाया हुआ है। और इस एरिया नाम के वेरिएबल में हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली लेंथ इनटू ब्रेथ करना है, राइट। तो अब इस एरिया नाम के वेरिएबल में एरिया कैलकुलेट होके आ गया होगा, और इसे ही तो हमें प्रिंट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू परसेंट डी एंड एरिया की वैल्यू। ओके, तो ये प्रोग्राम तो बहुत ही इजी है, देखिए चलिए रन करते हैं इसको, आप फंक्शन से करिए। और हमने पहले इसको रन करते हैं, फिफ्थ लेंथ हो गई और थ्री हो गई बिट, तो 5 × 3 हो गया 15, जो कि बिल्कुल सही है। ओके, तो इस प्रोग्राम को हमने जो भी पॉलीगन्स होते हैं हमारे पास नॉर्मल तरीके नॉर्मल वाले, तो उसके एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने फंक्शन का भी यूज किया है, और उसका एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसको जरूर रिफर कर लिए, उसको आप देखेंगे तो आपका पूरा फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और जो भी अभी तक जो भी टाइप हमने पढ़ा फंक्शन का, वो सारे फंक्शन को हमने कवर करके डिफरेंट डिफरेंट पॉलीगन के एरिया को कैलकुलेट किया है, तो आप उसको रिफर कर सकते हैं। और आई होप ये आपको समझ में आया हो, एंड थैंक यू।